चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। बहुत ही गर्मा गर्म और मसालेदार टेक न्यूज है दोस्त, और बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ आज आया हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मॉर्निंग मैंने वीडियो डाला है। अगर आपका रेंज दोस्तों 5000 के अंडर या 6000 में कोई फोन लेना चाहते हैं तो वो वीडियो देखिए, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, आपने कितना बड़ा रोबोट देखा होगा, 4 फीट का, 5 फीट का, 6 फीट का। दोस्तों जापान के लोगों ने 60 फीट का रोबोट बना दिया है दोस्तों, जिसका नाम है RX78। ये जो रोबोट है दोस्तों तकरीबन 20 टन का है, और ये चल फिर रहा है, काम कर रहा है, घूम फिर रहा है, और बैठ के दोस्तों उंगली ऊपर किया और ऊपर देखा और मुस्कुराया, इस तरह का कुछ किया है। अब वो क्या करना चाह रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्नैपड्रैगन ने दोस्तों आज अपना एक 5G चिप लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है Snapdragon 750। ये जो चिप है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, 5G पे आएगा दोस्तों, 8nm टेक्नोलॉजी पे आएगा, जिसमें जिसका CPU जो है दोस्तों क्रायो 570 और GPU जो है दोस्तों 619 का है। तो इस तरह का कुछ आया, बहुत ही ज़बरदस्त है, और Snapdragon 730G से ये 30% ज़्यादा फास्टर है, इस तरह की कुछ खबर आ रही है। और इसमें दोस्तों और भी न्यूज़ है जो मैं आगे बताऊंगा। बहुत सारे फ़ोन आज अनाउंस भी कर दिए हैं इस चिपसेट के लिए कि उनका कुछ 5G फ़ोन वगैरह आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ की तो एंड्रॉयड 11 की तरफ से आ रही है। अब टीवी में भी दोस्तों एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलने वाला है। इसमें कौन सी टीवी होगी और कब तक आएगा, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगली न्यूज़ में बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए। पैसे नहीं लगते दोस्तों सब्सक्राइब करने के, तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अगली न्यूज़ जो आती है गूगल के तरफ से, ड्राइव में एक तरह का फीचर्स ऐसा आने वाला है दोस्तों, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेस फाइल 30 दिन तक रहेगा, उसके बाद वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा, इस तरह की कुछ खबर आ रही है। और 13 अक्टूबर से ये अपडेट सबको मिल जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों कि किस तरह से ये काम करता है। बात करते हैं दोस्तों जियो के। तो जियो ने दोस्तों पोस्टपेड प्लान में बहुत सारा ऑफर दिया है, 399 का प्लान से स्टार्ट है दोस्तों, और कम से कम 399 का प्लान है। प्लान आप कराते थे उसमें दोस्तों नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और बहुत सारे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस का दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल के लिए फ्री मिलेगा। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। आप बताइए जियो किस तरह का काम कर रहा है। वैसे जियो की तरफ से अगला न्यूज़ जो है दोस्तों बहुत ही कमाल का, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों जियो के अगला न्यूज़ की। तो 4000 रुपये में दोस्तों जियो का नया स्मार्टफोन आने वाला है, जो 4G पे होगा और गूगल के साथ मिलकर ये बना रहा है। डिज़ाइन वगैरह कुछ इस तरह का आ गया है दोस्तों, बॉक्स भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये कब तक आएगा। दोस्तों बात हो रही है जियो की, तो दोस्तों पबजी कैसे पीछे रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जियो और पबजी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, और पबजी बहुत ही जल्दी इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह की कुछ रूमर्स आ रही है, अब देखिए ये कब तक होगा, और इसके कुछ टीजर्स वगैरह भी आ चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों अब अमेज़ॉन की। तो अमेज़ॉन ने दोस्तों अपना फायर टीवी स्टिक नया तरह का दोस्तों लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द। इसकी कुछ फोटोज़ लीक हुई है जो देख सकते हैं, नए रिमोट के साथ देखने को मिल रहा है, बहुत ही पोर्टेबल है दोस्तों। जब ये आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं अब ओपेरा मिनी की। अब ये ओपेरा मिनी क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये ब्राउज़र है और बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है दोस्तों। क्रोम वगैरह होता है उसी यूसी ब्राउज़र जिस तरह का होता है उसी तरह का है, लेकिन यूसी बैंड हो गया तो ओपेरा मिनी आप चला सकते हैं। लेकिन ओपेरा मिनी दोस्तों डेस्कटॉप वर्जन में एक नया फीचर्स आया है कि वहाँ पर दोस्तों आप शेयरिंग का ऑप्शन मिल गया है, मतलब आप मोबाइल के ओपेरा मिनी को आप वहाँ पर डेस्कटॉप में शेयर कर सकेंगे। एक बार कोड की तरह सब में होता है उसी तरह का, बार कोड के जरिए स्कैन होगा और सारा कुछ शेयर हो जाएगा दोस्तों, आप मोबाइल में खोलेंगे और वहाँ खुलेगा। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है, गूगल क्रोम में ऑलरेडी है, उसका कुछ फीचर्स आ गया है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की। तो अब बात करते हैं शाओमी की। तो शाओमी की तरफ से दोस्तों Mi 10T का सीरीज का दोस्तों Mi 10T, Mi 10 Pro और Mi 10 Lite, ये 3 फोन दोस्तों 30 सितंबर यूरोप में लॉन्च होने वाली है। और ऐसा बताया जा रहा है कि सारा 5G फोन होगा, जो Mi 10T और Mi 10T Pro जो होने वाला है दोस्तों वो Snapdragon 865 Plus वाला चिपसेट पे आएगा, 120 हर्ट्ज का दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेगा। लेकिन दोस्तों Mi 10 Lite जो होगा उसमें Snapdragon 750G वाला नया प्रोसेसर जो है वो होने वाला है दोस्तों। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है, अब देखिए ये इंडिया में कब तक आएगा और किस तरह का होगा। वहीं दोस्तों आज मनु कुमार जैन ने ट्विटर में ट्वीट कर दिया और बताया है कि उनका नया स्मार्ट स्पीकर आने वाला है, 29 सितंबर को ये लॉन्च होगा और बहुत सारी इसमें नई नई चीज़ होगी, आप देखिए ये किस तरह का होगा। बात करते हैं दोस्तों आज सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट होने वाला है 7:30 बजे दोस्तों, और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE रिफाइन एडिशन जो है लॉन्च होने वाला है। ये किस तरह का होगा, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपको देते रहेंगे लाइव। दोस्तों बात हो रही है सैमसंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी A52 5G वाला जो फोन है दोस्तों, ये भी स्नैपड्रैगन 750G के साथ दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है। गीक बेंच में ये लिस्ट हो गया और इसमें बहुत सारी चीज आई है दोस्तों, जैसे 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है, 48855 का दोस्तों रियर कैमरा होने वाला, 5000 mAh की बैटरी होगी दोस्तों। जब ये फोन आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे, लेकिन दोस्तों ये FCC सर्टिफिकेशन में ये लिस्ट हो गया है और बहुत ही जल्दी ये देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा बताया जा रहा है 108 मेगापिक्सल भी दिख रहा है दोस्तों, जो अल्ट्रा होगा इसका। अब देखिए जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे और बताएंगे ये किस तरह का है। वैसे ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर के साथ ये इंडिया पे आएगा, जो 5nm टेक्नोलॉजी पे है। अब देखिए ये किस तरह का होगा और कैसा होगा। वही दोस्तों बात करते हैं मोटरोला की, तो मोटरोला का E7 दोस्तों आज इंडिया में लॉन्च हो गया, 5000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 460 का दोस्तों प्रोसेसर है, प्राइस जो है इसका 9499 रुपये है। तो इस तरह का कुछ आया। बात करते हैं कैमरा सेंसर की, तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 48+5 का दोस्तों रियर कैमरा है, 4GB RAM 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता, 5000 mAh की बैटरी है दोस्तों इसमें। तो इस तरह का कुछ फ़ोन है, आप इसे लेंगे या नहीं आप हमें ज़रूर बताइए। वैसे दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया नार्जो वाला, अगर नहीं देखा तो देखिए, अगर आप लेना चाह रहे 10,000 के नीचे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए वीवो ने आज चाइना में लॉन्च कर दिया दोस्तों उनका वॉच, जो बहुत ही जबरदस्त है, 18 डे का दोस्तों बैटरी बैकअप है और दोस्तों ब्लड ऑक्सीजन सेंसर वगैरह भी दोस्तों इसमें मिलता है, जो बहुत ही जबरदस्त बात है। बहुत सारी चीज़ इसमें दी गई है, एमोलेड डिस्प्ले आया है, दो तरह का वेरियंट है, एक में दोस्तों 226 mAh की बैटरी और दूसरा में 478 mAh की बैटरी है। तो इस तरह का कुछ है, आप देखिए इंडिया में कब तक आएगा। लेकिन इसकी प्राइस जो आई है ऐसा बताया जा रहा है कि 14,000-15,000 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए आप किस तरह का हो, जब भी ये दोस्तों आएगा इंडिया में हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों पीट लाओ ने कंफर्म कर दिया कि OnePlus 8T में कर्व डिस्प्ले होने वाला है, जो 120Hz का होगा। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। और दोस्तों ईशान अग्रवाल ने इस पे ट्वीट किया और बताया है कि ये अमेजोन में लिस्ट हो गया था, जो ऐसा बताया जा रहा 599 यूरो पे आएगा, मतलब दोस्तों कल मैंने बताया था 69,000 के करीब आने वाला है। इसमें इसका दोस्तों कैमरा सेंसर काफी जबरदस्त होने वाला है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है, 48-16-5R2 का दोस्तों रियर कैमरा होने वाला है, 5000 mAh की बैटरी। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। अगला जो न्यूज आ रहा है दोस्तों वो नोकिया की तरफ से आ रहा है, नोकिया ने अपना लॉन्च कर दिया है दोस्तों एक बर्ड और एक पोर्टेबल स्पीकर। जो बर्ड है दोस्तों काफी जबरदस्त है, जो बर्ड है उसकी प्राइस दोस्तों यूरो के कन्वर्ट करेंगे तो 5100 रुपये पड़ेगा और दोस्तों जो स्पीकर है उसका 3000 रुपये पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ है, इसमें ज्यादा बात करके फायदा नहीं है। बात करते हैं दोस्तों नोकिया ने 3.4 और 2.4 लॉन्च कर दिया दोस्तों यूरोप में, इसमें स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों प्राइस कन्वर्ट करेंगे तो 13,000 से शुरू होता है। तो रहने दीजिए, इसके इसमें ज्यादा बात करके फायदा नहीं है। बात करते हैं दोस्तों realme की, तो realme की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है दोस्तों। थंबनेल में ऑलरेडी आप देख चुके होंगे कि realme Q सीरीज का नया फोन टीना में लिस्ट हो गया दोस्तों। अब इसमें भी ऐसा नहीं हो कि स्नैपड्रैगन 750 का प्रोसेसर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं realme ने आज टीज़ किया और बताया है कि इन डिस्प्ले कैमरा वाला फोन उनका बहुत ही जल्दी आने वाला है, इस तरह की कुछ खबर आ रही है। और दोस्तों माधव सर ने आज ट्विटर में ट्वीट किया और बताया है कि realme UI 2.0, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में को बहुत सारी नई नई फीचर्स देखने को मिल रही है, जो बहुत ही अलग अलग तरह का है। अब देखिए ये किस तरह का होगा। और ये जो न्यूज़ देने वाला हूँ दोस्तों, ये बहुत ही भड़कावा न्यूज़ है, मतलब आप सुनेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे थोड़ा। इन्फिनिक्स ने अपना ईयरबड और दोस्तों ईयरफोन लॉन्च कर दिया, जो बहुत ही जबरदस्त प्राइस पे, जो ईयरफोन है दोस्तों 449 रुपये में आता है, इंडिया में ये लॉन्च हुआ है, काफ़ी जबरदस्त है दोस्तों। और आई स्टिक्स ये नाम से ही दोस्तों आया गया है, बहुत ही पेचीदा नेम है दोस्तों, लेकिन हमने ले लिया, गूगल असिस्टेंट वगैरह दोनों में भी मिलता है दोस्तों। बात करते हैं पहले ईयरबड की, तो उसमें क्या है, तो 14.2 mm का दोस्तों ड्राइवर दिया गया है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो 40 mAh की दोस्तों बैटरी दी गई है उसके हेडफोन में, और दोस्तों जो केस है उसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई है। तो इस तरह का कुछ आया, जो हेडफोन है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़बरदस्त लुक पे आया दोस्तों। ऐसा बताया जा रहा है जो एयरपॉड है उसका प्राइस है 1499 रुपये, और जो दोस्तों एयरफोन का मैंने बता दिया 449 रुपये। तो इस तरह का कुछ आया। बात वैसे दोस्तों इसका अगर गिव अवे वगैरह चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइए कि गिव अवे चाहिए या नहीं चाहिए इन दोनों हेडफोन का। चलिए दोस्तों बात करते हैं 13 अक्टूबर को iPhone 12 लॉन्च होने वाला है 5G सेट, इस तरह का कुछ ट्वीट आया है दोस्तों। आप देखिए ये आएगा या नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का वीडियो हम देते रहते हैं। और हमारे चैनल पे दोस्तों Redmi Note 9 का गिवअवे चल रहा है, कार्ड में दे रहे हैं, अब जाके देख सकते हैं और पार्टिसिपेट करिए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।